हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अनोस कॉर्नर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तुअर दाल की रेसिपी। इसे अरहर की दाल भी कहते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाने वाली तुअर दाल। रेसिपी देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तुअर दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप तुअर दाल ली है, उसको अच्छे से धो लिया है 2-3 पानी से, और मैंने कुकर में तुअर दाल और 1 कप पानी डाल दिया है। पानी अगर कम हो तो आप बाद में और भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने नमक डाला है स्वाद के अनुसार और 1 चम्मच हल्दी डाली है। और अभी मैं कुकर को बंद करके लगभग 15-20 मिनट के लिए प्रेशर कुक करेंगे। कुकर को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और 15-20 मिनट के बाद अभी मैं कुकर को खोल रही हूँ। दाल हमारी अच्छे से घुल गई है। इसे हम कड़छी से मैश कर देंगे ताकि वो थोड़ी बहुत जो खड़ी है दाल अच्छे से घुल जाए, अच्छे से मैश हो जाए। तुअर की दाल घुली घुली ही अच्छी लगती है। अभी मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। तड़के के लिए मैंने पैन में तेल लिया है, तेल को गर्म कर लिया है। उसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच हींग, सरसों दाना 1 चम्मच, जीरा यहाँ पे मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। दाल तड़का में जीरा बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए मैंने 2 चम्मच डाले हैं। आप अपने हिसाब से राई और जीरा डाल सकते हैं। और अभी इनको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद अभी मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची, साबुत लाल मिर्ची है। मेरे पास सूखी मिर्ची नहीं थी इसलिए थोड़ी हरी गीली मिर्ची ही है इसलिए मैंने वो डाल दी है। और अभी इनको भूनने के बाद मैं ऐड करूँगी बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को हम अच्छे से भून लेंगे, ब्राउन कर लेंगे। जब हमारा लहसुन अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डालेंगे। लहसुन हमारा हो गया है तो अभी मैं यहाँ पे 2 प्याज बारीक कटे हुए हैं वो ऐड कर रही हूँ। प्याज को भी हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज को भी हमें ब्राउन करना है। अभी मैंने 2 टमाटर लिए हैं साथ में लिया है लहसुन और हरी मिर्ची। मैंने मिक्सर के जार में लहसुन और हरी मिर्ची को डाल दिया है। अभी मैं टमाटर भी इसमें काट के डाल दूंगी, इसका प्योरी बना लेंगे हम। अगर हम काट के टमाटर डालते हैं तो वो अच्छे से अगर ना भुजें उनका जो छिलका बीच में आता रहता है और बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। अगर पीस के डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है। प्याज हमारा लगभग भुन गया है तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्ची। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी ऐड कर रही हूँ और मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी मैं टमाटर का बनाया हुआ पेस्ट इसमें ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको अच्छे से तेल छोड़ने तक भूनेंगे हम। इसको चलाते रहेंगे। रेडी हो गया है तो अभी इसको हम दाल में डाल देंगे और दाल के साथ इसको हम मिला देंगे। और ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। स्वादिष्ट और टेस्टी दाल तैयार है। इसे आप चावल के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी दाल है। एक बार बनाएंगे और सब लोग बार बार बोलेंगे यही दाल रोज़ बनाइए। फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी रेसिपी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को पूरा देख के ही कमेंट करिएगा। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।